को सीधा जयपुर के सांभर लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सांभर में जो बांध पवित्र धाम है, पावन धाम पे आके मुझे बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हुआ और आपका उत्साह देख करके मुझे विश्वास हो रहा है कि आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका समर्थन हमारी बहन कैसा पूनिया को मिलेगा और आपके आशीर्वाद से वो कामयाब होकर जाएगी लोकसभा के अंदर। तो मैं इतना कह सकता हूँ आपको, चुनाव जीतने के बाद में भी वो आपके बीच में आती जाती रहेंगी, आपके सुख दुख में साथी बनेगी और जो लोकसभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण है उनकी समस्याओं को दिल्ली की पंचायत में उठाने में कमी नहीं रखेगी, ये बात कहने के लिए हम लोग हाजिर हुए हैं। आप सब जानते हैं कि चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। 3 महीने पहले आपने सरकार बनाई, दुर्भाग्य से हमारे साथी विजयधर जी बहुत कम वोटों से हार गए। चुनाव जीत सकते थे, जैसे मुझे बताया गया कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया, भीतरघात किया, वो कामयाब नहीं हो पाए। मुझे इस बात का दुख है, एक एक लोकतंत्र में तो एक एक चीज का महत्व होता है। ये लोकतंत्र में कांग्रेस का दिया हुआ है आपको, ये लोकतंत्र में ये वोटों का राज है जिसमें ठीक है। मुझे खुशी है कि इसको कांग्रेस ने 70 साल से कायम रखा और ये चुनाव 6 तारीख का चुनाव है। आप सबसे मेरी अपील है, एक एक वोट कृष्ण पूनिया जी के हाथ के निशान पर मोहर लगाना है, उनको कामयाब करना है। और जिस प्रकार से जो देश में हालात बने हैं, पिछले चुनाव में मोदी जी ने बहुत जुमलेबाजी करी, झूठे वादे किए, जनता से काला धन लेके आएंगे, नौकरी देंगे 2 करोड़ नौजवानों को, कोई वादा पूरा नहीं किया। महंगाई कम कर देंगे, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते ही गए, रुपए का अमूल्यन हो गया। जो वादे किए, चाहे वो गंगा मैया को सफाई करने की बात हो, कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया? बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, जिसे गांव को गोद लेगा एमपी, कोई गांव का विकास नहीं हो पाया। जो वादे किए झूठे साबित हो, अब उनकी पोल खुल चुकी है। होना ये चाहिए कि आज आपके बीच में आकर के 5 साल की उपलब्धि बताया बीजेपी वाले, 5 साल हमने ये काम किए और आगे 5 साल में हम ये काम करेंगे, अपनी नीतियां, अपने कार्यक्रम, अपने सिद्धांत बताए जाए। ये लोकतंत्र का तकाजा है और ये वोटों का राज भी कांग्रेस का दिया हुआ राज है जो 70 साल से कायम है देश के अंदर। हिंदुस्तान पाकिस्तान साथ में आजाद हुए थे, हमारा सौभाग्य है कि 70 साल के बाद में भी लोकतंत्र कायम रखा, इसलिए आज गरीब से गरीब मान इंसान का भी मान सम्मान कायम है। बड़े से बड़े नेता को भी हाथ जोड़ना पड़ता है, आशीर्वाद मांगना पड़ता है, पैरों को हाथ लगाने पड़ते हैं। पाकिस्तान में ये व्यवस्था कायम नहीं रह पाई, बार बार सैनिकों का शासन, बंदूकों का राज, प्रधानमंत्रियों को जेल में ठूसना और एक प्रधानमंत्री थे भुट्टो साहब, उनको फांसी लगा दी गई। इतना बड़ा फर्क है लोकतंत्र के अंदर, और 70 साल में जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। 70 साल पहले सामर क्या था जो बुजुर्ग बैठे उनको मालूम है, नई पीढ़ी को मालूम नहीं है। जयपुर क्या था, राजस्थान क्या था, देश क्या था, जहाँ सुई नहीं बनती थी, पहनने कपड़े नहीं थे,
बिजली क्या होती लोग समझते नहीं थे, ना स्कूल थी ना अस्पताल थे, ना बिजली थी ना पानी थी ना सड़कें थी। वहां से शुरू करके आज पूरा मुल्क में सिंचाई के साधन बढ़ गए किसानों के लिए, गांव गांव घर घर में बिजली पहुंच गई, पानी के नल पहुंच गए, सड़कें बन गई, स्कूलें खुल गई, कॉलेज खुल गए, विश्वविद्यालय खुल गए, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ गई, क्या नहीं हुआ देश के अंदर, और लोकतंत्र कायम रहा। मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ। मोदी जी, कम से कम आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपको असत्य नहीं बोलना चाहिए, आप वो बात बोलो जो लोगों के दिल को छूने वाली हो। प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा पद होता है, पर जिस रूप में भाषा काम लेते हैं, कांग्रेस 70 साल में क्या किया। अरे भाई, ये उपग्रह छोड़े जा रहे आकाश के अंदर, कंप्यूटर आ गए, मोबाइल फोन आ गया हर रात के अंदर, ये किसने किया? विज्ञान ने, तकनीकी की प्रगति हुई, किसके द्वारा हुई? पूरा जाल मिल गया देश के अंदर, स्कूलों का, अस्पतालों का, पानी की लाइनों का, बिजली का, सड़कों का जाल मिल गया, किसने बिछाया? बांग्लादेश आजाद हुआ किसने करवाया? इंदिरा गांधी के जमाने में हमारे सेनाओं ने इतना पराक्रम दिखाया, शौर्य दिखाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, बांग्लादेश आजाद हुआ, 93,000 उनके जनरल, कर्नल, मेजर, सैनिक सबको बंदी बना दिया, उनके हथियार सरेंडर करवा दिए, किसने करवाए थे? अटल बिहारी वाजपेयी को कहना पड़ा, ये इंदिरा गांधी नहीं दुर्गा का रूप है, वो हालात भी हमने देखे हैं। पंजाब को खालिस्तान ने मन दिया, पंजाब में आतंकवाद था, मुकाबले के इंदिरा गांधी ने जान चली गई, परवाह नहीं करी उन्होंने, और मरने के दिन पहले कहा उन्होंने कि मेरी जान जा सकती है, जिसकी मुझे परवाह नहीं है। जो इंदिरा गांधी थी महान नेता थी दुनिया की, देश की, एक महिला होकर 16 साल तक राज किया देश पर प्रधानमंत्री के रूप में, वो कह रही मेरी जान जा सकती है, उसकी मेरी परवाह नहीं, पर मेरे खून का, अगर मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये भाव थे उनके। और मोदी जी, क्या आपने कभी 5 साल में नाम लिया इंदिरा गांधी का? राजीव गांधी शहीदों के देश के लिए, उनको कभी याद किया आपने? आपके पास में कहने कुछ नहीं है, उपलब्धि बता नहीं सकते आप, क्योंकि 5 साल में जुमलेबाजी करी खाली आपने। इतने आप कभी धर्म के नाम पर राम मंदिर लाते हो चुनाव के वक्त में, कभी देशभक्ति की बात करते हो, क्या हम लोग यहां बैठे हुए देशभक्त नहीं है? कभी सेनाओं के शौर्य और पराक्रम की जो हमें गर्व है पूरे देश को, उसका श्रेय आप लेना चाहते हो? ये कोई तरीका नहीं हुआ लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र में आज देश में भय का माहौल है, घृणा का माहौल है, हिंसा का माहौल है, जो नहीं होना चाहिए। हमारे नेता राहुल गांधी कहते हैं हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, हम जनता के सामने अपनी नीतियां रखें, कार्यक्रम रखें, सिद्धांत रखें, वो अपनी बात कहे, जनता फैसला करे किसको सत्ता सौंपनी है, ये लोकतंत्र का कायदा होता है। उसकी बजाय आप खाली झूठे वादे करो, जुमलेबाजी करो, उससे काम नहीं चलने वाला। हमारी सरकार बने 3 महीने हो गए, हमने सरकार बनते ही किसानों के कर्जे माफ किए, कोऑपरेटिव बैंक के, भूमि विकास बैंक के, चुनाव आ गया बीच में, चुनाव खत्म हो गई, जो वादा हमने किया है राष्ट्रीयकृत बैंकों के 2 लाख के कर्जे माफ करने का, वो चुनाव खत्म होते हम करेंगे माफ, वो मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपको। 5 साल तक दरें नहीं बढ़ेगी बिजली की, वो मैंने वादा किया आपसे, पहले वादा किया था पिछली बार जब आपने मुझे आशीर्वाद दिया, सरकार बनाई तब भी हमने निभाया उसको। फिर हमने कहा कि 5 साल तक दरें नहीं बढ़ेगी, 1 लाख बिजली कनेक्शन देने का वादा किया, वो काम हमारे चालू है, यहाँ पर आधे से अधिक काम तो हो चुका है। इस प्रकार से सरकार ने जो वादे किए हैं वो वादे निभाए जा रहे हैं। हमने कहा कि पानी का बिल
अब आपके यहाँ पानी की कोई बिल नहीं आएंगे, पानी के बिल समाप्त कर दिए गए, राजस्थान के अंदर निःशुल्क पानी मिलेगा। किसानों को, पशुपालकों को 2 रुपए प्रति लीटर दूध का, जो सरस डेयरी को बेचेंगे 2 रुपए प्रति लीटर सरकार उनको बोनस देगी, वो हमने वादा किया आपसे, लागू कर दिया है राजस्थान के अंदर। 1,74,00,000 लोगों को जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो अनाज चावल है, हमने कहा 1 रुपए किलो देंगे हम उन गरीबों को जो बीपीएल के हैं, स्टेट बीपीएल के हैं। दवाएं मैंने पहले 600 दवाएं फ्री करी थी, पिछली बार सरकार बनते ही हमने 3 दवाएं जोड़ी है जो बहुत महंगी होती है, लंबा इलाज चलता है, किडनी की बीमारी का, हार्ट का, कैंसर का, तीनों की दवाएं फ्री मिलेगी राजस्थान के अंदर, ये हमने कर दिया है। इस प्रकार से कई फैसले किए हैं बहुत कम समय में, और जो घोषणा पत्र आया दिल्ली का, राहुल गांधी जी ने इंटरेस्ट लेकर के वहां पर व्यवस्था कराई न्याय योजना की, 6,000 रुपए प्रति परिवार, 5 करोड़ परिवारों को महिला के नाम पर खाते में प्रति माह 6,000 रुपए का मतलब 72,000 आएंगे प्रति वर्ष आएंगे, 5 साल में 3,60,000 आएंगे। ये गरीबी हटाओ का बड़ा प्रोग्राम है जिससे कि मार्केट के अंदर परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, परिवार की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा फैक्ट्रियों में, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ये सोच करके इतना बड़ा फैसला मैनिफेस्टो में किया गया वादा, और मैं कहना चाहूँगा इसके अलावा कहने को बहुत सारी बातें हैं, पर जो घोषणा पत्र कांग्रेस का है उसका कोई मुकाबला नहीं। व्यापारियों के लिए भी, जीएसटी के लिए, कांग्रेस की जीएसटी थी जिसमें वन नेशन वन टैक्स था, उसको इन्होंने बिगाड़ दिया, बहुत तकलीफ हुई व्यापारियों को भी। एक राष्ट्र एक एक कर होगा, ये वापस मैनिफेस्टो वादा किया गया है। इस रूप में नोटबंदी करी, नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ, पूरा पैरा ब्लैक था व्हाइट हो गया, और तो और ना नक्सलवाद खत्म हुआ ना आतंकवाद खत्म हुआ, जो आप देख ही रहे हो क्या हो रहा देश के अंदर। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगती है, और मैं जिस बात से बहुत खुद प्रभावित हूँ, वो है किसानों देश की रीढ़ की हड्डी है, किसानों की कई तरह की समस्याएं हैं, एक हल होती है दूसरी पैदा हो जाती है, कर्जे की अलग बात है, आत्महत्याएं हो रही है, पूरा दाम मिलता नहीं है, फैसले मौसम में चौपड़ हो जाती है, कृषि बीमा भी फेल हो गया है, मोदी जी की कृषि बीमा योजना भी फायदा पहुंचाने वाली है उन कंपनियों को जो बीमा करती है, एमएसपी लागू होती नहीं है, पूरा तुलता नहीं है धान, कितनी प्रॉब्लम है किसानों को। राहुल गांधी की सोच देखिए, उन्होंने कहा है हम जो रेलवे का बजट पेश अलग होता है पार्लियामेंट में, उसी रूप में किसानों का अलग बजट पेश करेंगे। इसका मतलब है 542 एमपी होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा तो कैसे पुण्या भी एक होगी उसके अंदर। और आप सोचिए 542 वो दक्षिण के भी होंगे, पूर्व के भी होंगे, पश्चिम के भी होंगे, नॉर्थ ईस्ट के भी होंगे, अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं किसानों की, बजट पे बहस होगी, बजट पास होगा, आप कल्पना कीजिए दुनिया के अंदर किसी मुल्क में, मैं जहां तक जानकारी रखता हूं कोई बजट किसानों का अलग पेश नहीं होता है। हिंदुस्तान में जब पेश अलग होगा, एक इतिहास में नई शुरुआत होगी, और किसानों के आज तक की जो मुसीबतें हैं, आने वाले वक्त में किसान स्वाभिमान के साथ में जी सकेगा, खेती करना गर्व महसूस कर सकेगा किसान। आज तो लोग खेती छोड़कर शहरों की तरफ भागते हैं, वो वक्त आ सकता है
दुनिया के विकसित राष्ट्रों की तरह जो किसानों को खेती करने का अपना स्वाभिमान साथ रख के काम कर पाएगा। इस प्रकार से अलग बजट पेश करने की पेशकश की गई है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको, नौजवानों के लिए कहा गया 3 साल तक कोई नहीं पूछेगा सरकार आपको, आप अपना काम धंधा शुरू करो, कोई बिजनेस खोलो, सरकार के पास आने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको जानकर खुशी होगी, राजस्थान सरकार ने इस काम को लेकर, सरकार बनते ही हम लोगों ने अध्यादेश जारी कर दिया है, अगले असेंबली के अंदर बिल पेश होगा, कानून बन जाएगा। इस प्रकार पूरे मुल्क में राहुल गांधी की भावना का अनुरूप राजस्थान प्रथम राज्य रहेगा देश के अंदर जिसने इसका कानून बना दिया है। इस प्रकार से कई बातें की गई है, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि सांभर की अपनी समस्या कई है, मुझे विज्ञापन दिए गए। पहले भी जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैंने प्रयास किए थे कि आजकल सोलर पावर आती है, क्रांति होगी देश के अंदर, दुनिया में क्रांति हो गई है, सूर्य की किरणों से बिजली पैदा करना। आपको मालूम है कि पहली बार मैं मुख्यमंत्री बना 20 साल पहले, ये 3री बार मुझे आपने आशीर्वाद दिया है प्रथम सेवक के रूप में काम करने का राजस्थान का। पहली बार बना मैं, तब मैं पवन चक्की लेके आया था हवा से बिजली पैदा करने का, उस वक्त तो हमने शुरू किया था काम। आज आपको जानकर खुशी होगी, पवन चक्की इतनी लग गई राजस्थान में, करीब 5000 मेगावाट बिजली पैदा होती है पवन चक्कियों से, हवा से बिजली पैदा होती है। और उसके बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री बना मैं तो पहली बार देश में सोलर पावर की शुरुआत हुई थी, हमने शुरुआत करी थी जोधपुर जिले के बड़ला जगह वहाँ सोलर पार्क बन रहा है, पोखरण में, फड़ोदी के अंदर, कई जिलों के अंदर सोलर प्लांट लग रहे हैं, फोटोवोल्टिक सेल लग रहे हैं, बिजली पैदा हो रही है, सरकार की योजना है, लोग चाहे तो अपने घरों पे सोलर के पैनल लगा ले, बिजली पैदा करे, बिजली उनको सरकार के मीटर आता है उस पर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद की बिजली पैदा करो, खुद काम में लो और बिजली बच जाए तो सरकारी ग्रिड है उसके अंदर आप उसको डाल दीजिए, आपके बिल में पैसा कम आएगा। पुनिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि कृष्णा पुनिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए अपने सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए जनता से ज्यादा वोट की अपील की है, और साथ ही इस दौरान उन्होंने मोदी पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि क्या पिछले 5 सालों में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का नाम भी लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको बता दें कि कांग्रेस से प्रत्याशी हैं जयपुर ग्रामीण से कृष्णा पुनिया, जिनका मुकाबला बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौर से होने वाला है। बेहद रोचक इस बार का ये मुकाबला माना जा रहा है, हालांकि पहले कयास लगाए जा रहे थे जब तक कि कांग्रेस ने यहां से अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया था, एक तरफा मुकाबला इसको माना जा रहा था। समय बनेगा और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं आने वाले वक्त में सांभर का चौमुखी विकास कैसा होगा, वो कल्पना के बाहर होगा, ये मैं आपको आज की तारीख में कह सकता हूं। बाकी जो आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जनसभा आपको बता रहे हैं सांभर में, जहां कृष्णा पुनिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए दिखे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कहना चाहूंगा आप निश्चिंत रहो, सरकार 3.5 महीने निकल गए हैं, 4.5 साल बाकी है, आपके आशीर्वाद से विद्याधर जी कामयाब नहीं हो पाए हैं। तभी मैं कहना चाहूंगा आपको, विद्याधर जी आपके अपने नुमाइंदे हैं, आप विद्याधर जी आपके यहाँ के एक कड़ी जोड़ो, आप कृष्ण पुनिया जी की दिल्ली के लिए, ये दोनों मिलकर जो मुझे काम कहेंगे फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के सांभर के, कोई काम नहीं रुकेगा। कृष्णा पुनिया के समर्थन में इस जनसभा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सांभर में संबोधित करते दिखे। आपको बता दें कि कृष्णा पुनिया कांग्रेस से जयपुर ग्रामीण से प्रत्याशी है, जहां पर जयपुर ग्रामीण में 6 मई को चुनाव होना है, और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सांभर में यह जनसभा।